100 करोड़ के बजट में बनने वाली ये मूवी जिसने करीब 1200 करोड़ की कमाई की और वो भी अपने नाम पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट मूवी केजीएफ चैप्टर 2 की। इस मूवी को तो आपने देखा ही होगा पर शायद ही आपको इसकी शूटिंग के बारे में पता हो, तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी के बिहाइंड द सीन, जिसको देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और आपने मूवी में सोने की खान तो देखी होगी जिस पर ये पूरी मूवी बेस्ड है। इस सोने की खान को दिखाना कोई आसान काम नहीं था बल्कि इसके लिए 800 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट को हायर किया गया था। इसको बनाने के लिए आर्टिस्ट के साथ साथ VFX का भी यूज लिया गया। आपको बता दें कि जहां पर ये शूटिंग हुई थी वहां की मिट्टी लाल थी जिसको काली मिट्टी से ढक दिया गया था। इसके अलावा इसमें काम करने वाले लोगों की भी ड्रेस को काला किया गया ताकि ये पूरी तरह से सोने की खान लगे। आपको बता दें कि इस मूवी को बनाने के लिए 150 कैमरों का यूज लिया गया ताकि सभी सीनों को अलग अलग एंगल से शूट किया जा सके, जिसको आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस सीन में आप अधीरा और उसके सैनिकों को केजीएफ में घुसते हुए देख सकते हैं, जहां कैमरामैन क्रेन पर बैठकर शूटिंग कर रहा है। आपको बता दें अधीरा यानी कि संजय दत्त को मूवी में जो कपड़े पहनाए गए थे उसका वजन करीब 25 किलो था। इसके साथ साथ अधीरा के मेकअप में घंटों लग जाते थे। वैसे तो मूवी में दिखाए जाने वाले कार चेसिंग सीन को एक स्टूडियो के अंदर ही बना लिया जाता है, पर ताकि सीन रियल लगे इसीलिए इस मूवी में रियल कारों का यूज लिया गया था। इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग बेंगलुरु, हैदराबाद और मैसूर में की गई है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मूवी का वो सीन जिसमें रॉकी गुरु पांडेन को मारने के लिए पार्लियामेंट में जाता है, ये सीन उसी टाइम का है। इस सीन को किसी स्टूडियो के अंदर शूट नहीं किया गया था बल्कि इस वाले सीन को रियल लोकेशन पर शूट किया गया। इस सीन के पहले आप मेकअप होते देख सकते हैं। इसके पहले रॉकी हेलीकॉप्टर से पार्लियामेंट में आता है। इस हेलीकॉप्टर को दिखाने के लिए एक डमी हेलीकॉप्टर का यूज लिया गया, जिसके बाद रॉकी गुरु पांडेन को मार देता है। आप स्क्रीन पर प्रशांत नील को देख सकते हैं। अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के बिहाइंड द सीन की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर उससे पहले बात करते हैं मूवी में हुए मेकअप की। आपको बता दें कि शूटिंग से पहले एक्ट्रेस का अच्छे से मेकअप किया जाता है। इस मेकअप का अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि पूरी मूवी में हर एक्ट्रेस के मेकअप का ध्यान रखती है। आप स्क्रीन पर रॉकी, श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त और रवीना जी का मेकअप होते देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस सीन की जिसमें रॉकी पूरी तरह से हार जाता है और इनायत खलील से मिलने मुंबई जाता है। इस सीन को इंडिया में ही कर्नाटक के एक बीच पर शूट किया गया था, आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। तो अगर आपने आदि पुरुष के ये वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना।